हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन. इट इज चैप्टर नंबर 2, नंबर्स अप टू 1000. सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द अबेकस. अबेकस पे नंबर लिखने के लिए यहाँ पे हमें कुछ अबेकस दिए हैं. इसमें 2 स्टैंडिंग लाइन्स हैं. यहाँ पे हमें अबेकस में वंस प्लेस और टेंस प्लेस दिया है. यहाँ वंस प्लेस में हम बीट्स काउंट करेंगे, कितने बीट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसे हम लिखेंगे 6 ones is equal to 6. सेकेंड फिगर में 8 बीट्स हैं, इसे हम लिखेंगे 8 ones it means 8. थर्ड फिगर में हमारे पास 3 बीट्स हैं, इसे हम लिखेंगे 3 ones it means 3. अब हम कुछ और अबेकस देखते हैं जिसमें हमें टेंस प्लेस का, जो अबेकस का टेंस प्लेस है उसमें भी कुछ बीट्स दिए हैं, उन्हें हम काउंट करेंगे. यहाँ पर टेंस प्लेस पे 1 बीट है और वंस प्लेस पर हमारे पास 6 बिट्स हैं. तो 1, 10, 6 ones, इसे इस तरह से लिखेंगे 1, 6, 16. सेकेंड अबेकस जो है इसमें हमारे पास टेंस प्लेस पर 2 बिट्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 tens. और वंस प्लेस पर 2 बिट्स हैं, इसे हम लिखेंगे 2 ones. इस तरह से हमारा आंसर होगा 22. वंस प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 2, 2, 2, 22. थर्ड फिगर की अगर हम बात करें, थर्ड फिगर में हमें यहाँ पे 3 बीट्स गिवन है टेंस प्लेस पे, तो हम लिखेंगे 3 tens. और 2 बीट्स गिवन है वंस प्लेस पे, तो इसे हम लिखेंगे 2 ones. इस तरह हमारा नंबर बनता है 3, 2, 32. यहाँ पे और कुछ अबेकस आपको दिए हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं. अब इसी पर बेस्ड हमें एक्सरसाइज गिवन है जिसमें हमें बीट्स दिए हैं, हमें नंबर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे बन रहा है. देखिए, यहाँ हमें एक्सरसाइज गिवन है, काउंट द बीट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस. हमें काउंट करने हैं बीट्स को और बॉक्स में फिल करना है. वंस प्लेस पर आप देख रहे हैं 6 बीट्स हैं और टेंस प्लेस पर हम काउंट करें 5 बीट्स हैं, तो हमारा नंबर क्या होगा, 5, 6, 56. सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में हम वंस प्लेस काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और टेंस प्लेस हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4. इस तरह से हमारा नंबर होता है 4, 5, 45. सेकेंड थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं वंस प्लेस पे हमारे पास 2 बिट्स हैं और टेंस प्लेस पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिट्स हैं, तो इस तरह हमारा नंबर बनेगा 6, 2, 62. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन किया है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. यहाँ आपको बीट्स काउंट करनी है, टेंस प्लेस की बीट्स टेंस बॉक्स में, वंस प्लेस की बीट्स वन बीट्स जो है वो वंस बॉक्स में लिखिए और दोनों को साथ में ज्वाइन करके आपको अपना आंसर बनाना है. 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 3 और इसके बाद नीचे और 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन भी आपको करने हैं. आप बिट्स काउंट करके बॉक्स में लिखिए, टेंस की बिट्स काउंट करके बॉक्स में लिखिए और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो आपको अपना आंसर मिलेगा. इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. ये है आपके बुक में पेज नंबर 18 और 19 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं. जो पेज नंबर 20 है उस पर भी हमें यही दिया है, काउंट द बिट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस. यहाँ भी हमें बिट्स को काउंट करना है और आंसर लिखना है, तो आप यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अपना पेज नंबर 20 भी कंप्लीट कर सकते हैं. मैं क्वेश्चंस आपको शो कर रही हूँ. क्वेश्चंस अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहीं से देख के क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करते जाइए, बुक की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख लीजिए और इनके आंसर्स आप अपने कॉपी में लिखते जाइए. ये पेज नंबर 20 का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ. पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 5 and 6 और इसके बाद 3 क्वेश्चंस और दिए हैं, 7, 8 and 9. इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 20 पर, जो आपको उसी तरह फॉलो करना है जैसा हमने पेज नंबर 19 के सॉल्व किए थे, सेम वही प्रोसेस फॉलो करें आप. चैप्टर 2 में पेज नंबर 21 पर हमें टॉपिक गिवन है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है. 2 डिजिट नंबर दिया है, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है 25. 25 में 5 जो है ये वंस प्लेस पर है और 2 टेंस प्लेस पर है, तो 5 के प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे. 5 वन प्लेस पर है तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 1, 5
और टू टेंस प्लेस पर है तो टू में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू में 10 लग जाएगा, टू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। इस तरह से हमें पेज नंबर 21 पे प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है सिखाया गया है। जो नंबर वंस प्लेस पे है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर वंस प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू सेम वही नंबर आता है और जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू में 10 लगाना होता है। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 22 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें प्रैक्टिस के लिए। पेज नंबर 22 पे हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 60? 60 जो है उसमें 6 की प्लेस क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 60? तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, टिक लगाएंगे 60। टेंस प्लेस पे है तो 10 लगेगा और वंस प्लेस पे होता है तो एज इट इज लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 93? 93 में देखिए 3 वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, एज इट इज 3, इसमें 10 नहीं लगाना है, जब टेंस होगा तो 10 लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 29? 2 कहाँ है, टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, 2 टेंस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 90? अब 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0। इस तरह से आपको ये चूज द करेक्ट ऑप्शन बुक में ही कंप्लीट करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे किसी भी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। इसी पेज नंबर 22 पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन करके बताए गए हैं। 38 में जो अंडरलाइन नंबर है इसकी प्लेस बताना है हमें, प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द नंबर। तो इस न्यूमरल में अंडरलाइन जो डिजिट है इसका प्लेस है, वंस प्लेस पे है 8, तो हम लिखेंगे वंस प्लेस। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर वंस प्लेस पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, सेम वही नंबर, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8। सेकेंड पिक जो न्यूमरल दिया है, सेकेंड न्यूमरल में अंडरलाइन सेकेंड डिजिट पे है, ये है टेंस प्लेस। और मैंने आपको बताया टेंस प्लेस नंबर की जब प्लेस वैल्यू लिखनी रहती है तो उस नंबर के बाद 10 लगाते हैं, यानी इस नंबर की प्लेस वैल्यू होगी 3030। तो आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 न्यूमरल अंडरलाइन है जिस नंबर के नीचे, वो वंस प्लेस पे है तो आप यहाँ लिख दीजिए वंस प्लेस। और वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू सेम वही नंबर हमें मिलती है। सेकेंड फोर्थ नंबर पे जो न्यूमरल है वो है 5858, अंडरलाइन किया है 5 के नीचे और 5 हमारा है टेंस प्लेस पर। और टेंस प्लेस के नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हमें नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 लगानी है नंबर के बाद और हमारी प्लेस वैल्यू होगी 5 की 5050। इस तरह से आपको इस पेज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाना है। वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू एज इट इज होती है और टेंस प्लेस पे नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू में हमें 10 ऐड करना है। तो आप इस तरह से इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में हमें किसी भी नंबर का जो भी न्यूमरल हमें गिवन होता है उसमें सारे नंबर्स जो हमें दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। जैसे 6 की प्लेस वैल्यू 6 वंस प्लेस पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6। और 4 टेंस प्लेस पे है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40। और अगर इनका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो एक्सपांडेड फॉर्म इस तरह से लिखते हैं हम, दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू के बीच में प्लस लगाना है, यानी 6 की प्लेस वैल्यू प्लस 4 की प्लेस वैल्यू, इसे बोलते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसी की एक्सरसाइज भी यहाँ पेज नंबर 23 पे हमें गिवन है। एक क्वेश्चन हमें करके दिया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें बाकी सारे सॉल्व करने हैं। जैसे हमें गिवन है 2 टेंस प्लेस पे भी है, 2 वंस प्लेस पे भी है। अब 34 में टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है टेंस प्लेस पर और 4 है वंस पर। इसी तरह से यहाँ पर 46 में टेंस प्लेस पर 4 है और वंस प्लेस पर 6 है। तो इस पूरे पेज पे आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से जूम करके बताती हूँ,
ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सिखाया है उसी को फॉलो करते हुए आप बुक का ये पेज कंप्लीट कर सकते हैं। जो नंबर वंस प्लेस पे है आप उसके साथ वंस लिखते हैं, जो नंबर टेंस प्लेस पे है आप उसके साथ टेंस लिख दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका पेज नंबर 23 आपको कंप्लीट करना है इस तरीके से। एक्सपांडेड फॉर्म टॉपिक में ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है, मैच द फॉलोइंग, पेज नंबर 24। कॉलम ए में हमें न्यूमरल गिवन है और कॉलम बी में हमें उसका एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है, हमें राइट एक्सपांडेड फॉर्म से मैच करना है। 23 का एक्सपांडेड फॉर्म होगा 20+3, 47 का एक्सपांडेड फॉर्म होता है 40+7, 59 का एक्सपांडेड फॉर्म होता है 50+9, 63 का एक्सपांडेड फॉर्म होता है 60+3। इस तरह से बाकी सारे नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म को आपको लाइन ड्रॉ करके मैच करते जाना है। 80+0, 40+8, 70+7 और 20+9। कुछ नंबर मैंने मैच कर दिए हैं, कुछ नंबर आप मैच करिए ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। इसी के नीचे हमें फिल इन द बॉक्सेस दिए हैं, फिल इन द बॉक्सेस में हमें नंबर गिवन है, हमें उनके एक्सपांडेड फॉर्म बनाने हैं। जैसे 36 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 30+6, 81 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 80+1, 84 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 80+4, दोनों की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 और 8 की प्लेस वैल्यू 8080, 39 में 9 की प्लेस वैल्यू 9 और 3 की प्लेस वैल्यू 30, क्योंकि 3 टेंस प्लेस पर है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 2 की प्लेस वैल्यू 2 और 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 के साथ हम 10 लगाएंगे। 93 में 3 की प्लेस वैल्यू 3 और 9 टेंस प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू के लिए हम इसमें एक 0 लगाएंगे। 60 और 7, 90 एंड 8। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको गिवन है, ये सब आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। आपको एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है जैसा कि हमने पेज नंबर 23 पे सीखा है। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 24 कंप्लीट होता है। पेज नंबर 25 पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।